सरपंच ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, जैसे कि आपको जानकारी है। पिछले 48 घंटे से हम लगातार इस ऑपरेशन कर रहे थे और मैं मुख्य तौर पर इंडियन आर्मी, NDRF और गांव के लोगों को और हमारे जिला स्तर के अधिकारीगण को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में सबने बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही तत्परता से काम किया। इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत आई उसको लोकेट करने में, तो उसके लिए हमें HDD ट्रैकर और जो टोटल स्टेशन मशीन थी उसकी बड़ी हेल्प मिली। अदरवाइज़ हम स्टार्टिंग में हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि कितनी डेप्थ पर बच्चा है और कितनी उसकी लोकेशन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रॉनरी इक्विपमेंट चाहिए थे। बट लकीली हमें एक HDD ट्रैकर मिल गया, उससे बड़ी आसानी मिली और हम एग्जैक्टली लोकेशन पहुँच पाए। ऊपर से हम देख पा रहे थे कि हमारी टीम कहाँ जा रही है, तो उससे हमें काफ़ी बड़ी हेल्प मिली। और बच्चे को हमने, क्योंकि कल उसने फ्रूटी भी पी थी और बिस्कुट भी खाए थे, तो बहुत ही स्वस्थ अवस्था में है और बच्चा बहुत ही बहादुर है और वो हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, NDRF टीम ने उनको निकाल लिया और अब अग्रवा पहुंचा दिया है और उनका पूर्ण उपचार किया जाएगा। जब वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा तब उनके माँ बाप को सौंपा जाएगा। तो इस रेस्क्यू में विलेजर्स थे उनको भी कोई प्रमोट करना? बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सरपंच और उनके जितने भी लोग थे, पंच और गाँव वाले लोग, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो काबिल तारीफ है। उनके हमने नाम नोट कर लिए हैं, जिन जो लोगों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। सर, ये जो बोवेल है ये कितने फीट का था? ये लगभग 54 फीट का था और 54 फीट के नीचे बच्चा था और हमारी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की वो हमने लगभग 50 फीट नीचे जाके फिर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, वो लास्ट पॉइंट पर 3x3 स्क्वायर फीट की थी।